हेलो, नवरात्रि चल रही है तो चलो आज ना हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो इसके लिए ना मैंने साबूदाना पहले से ही भिगो कर रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर ये एक कढ़ी कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए। आप चाहे तो हरी मिर्च को मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ आलू और मूंगफली का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे 2-3 मिनट तक के लिए। अब इसमें डालेंगे साबूदाना भिगोया हुआ। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। 1 कप साबूदाना के लिए 1.5 ग्लास पानी डालना। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे। फिर इसे कवर कर लेंगे और कुक कर लेंगे। अब देखिए ये बॉईल हो चुका है। अभी फिर थोड़ी देर के लिए इसे कुक कर लेंगे 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर। और फिर यह हमारी साबूदाना खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। ये देखिए अब ये तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।